डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने सोमवार को सोनाली बॉर्डर का निरीक्षण किया। इसके उपरांत डीआईजी ने एसएसबी कैंप कार्यालय में बॉर्डर की सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक किया। इस मौके पर नेपाल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीआईजी राजेश डी मोदक के साथ महाराजगंज के एसपी रोहित सिंह सहजवान भी मौजूद रहे। डीआईजी ने एसएसबी कैंप कार्यालय में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसी के साथ नगर पंचायत सोनौली प्रतिनिधि से मिलकर सरहद की जानकारी ली और व्यापारियों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा और बॉर्डर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए डीआईजी राजेश डी मोदक ने कहा। टाइम नहीं जाओगे तो फिर क्या बताएगा? देखिए ये मेरा रूटीन मंथली इंस्पेक्शन था, तो उसमें सोनौली गौरव का मैंने अरे यार हमारे प्रधान साहब भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं और एस एस पी की कमांडर भी है और नेपाल से भी अधिकारी हमने बुलाए थे कि क्या कोविड के टाइम पे लॉकडाउन का भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, क्या यहाँ पर आ रही है। सभी ने बताया कि जो सिस्टम बनाया है उसमें उससे चल रहा है। छोटी मोटी समस्याएं बीच में आई थी जो कस्टम से रिलेटेड, तो यहाँ पर लोग रहते थे लड़ाई कुछ वो सॉल्व हो गई, अभी किसी तरह की समस्या नहीं। व्यापारी लोग भी आए थे बॉर्डर के आवागमन तक सही तरीके से चले, ये समस्या थी जो मेरा सबसे डिस्कशन हो गया और विभागीय अधिकारियों को यही निर्देश दिया गया कि जो लॉकडाउन में निर्देश आपको मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से और हमारा ही जो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों की जानकारी है और यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा भाईचारे का पहले से रहा है, मैं भी है तो ये ऐसे नहीं जो देखिए आपका जो सवाल है वो एक ये भी नहीं हाई लेवल का उसका जवाब भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये हमारे जो रिलेशन है पहले से हमारे चेक पोस्ट के अंदर से आवागमन के अंदर हमारे जो छोटे लोग जुड़े हुए हैं और वैसे ही रहें, अच्छा माहौल रहे, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो सब ठीक करते हैं।